हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और आज का जो ये वीडियो है ये गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर है। काफ़ी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप गर्ल्स को कैसे रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल की कुछ पिक्स आप क्या हमें भेज सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता सके। और ये जो आप अभी देख रहे हो जगह, ये मेरा ही निवास है, मेरा ही घर है। तो हम लोग यहाँ पर, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग यहाँ पर गर्ल्स को मैनेज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको गर्ल्स हॉस्टल दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं गर्ल्स का रूम, आ जाइए। तो गर्ल्स के रूम के बाहर पर एक मंदिर भी है और यहीं पर हम लोग हाथ जोड़कर एकेडमी की तरफ निकलते हैं। मैं कब इन, तो ये है गर्ल्स का रूम। तो प्रेजेंटली हमारे पास दो गर्ल्स हैं, एक है सदीक्षा मोतीवार फ्रॉम महाराष्ट्र और एक है हमारे पास सीरत एंड शीज फ्रॉम हरियाणा। तो दो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से हमारे पास लड़कियाँ, और दो और गर्ल्स आ रही है, एक पंजाब से हैं और एक तेलंगाना से हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एकदम घर का फीन है बच्चों के लिए प्रॉपर, क्योंकि विंटर्स में यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। तो बच्चों के लिए एक प्रॉपर हम लोगों ने रेडिएटर हीटर का भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है ताकि पढ़ाई करते वक्त बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे जब छुट्टियाँ होती हैं संडेज को, खासकर बच्चे ज़्यादा टाइम हॉस्टल में बिताते हैं, अदरवाइज एकेडमी में ही बच्चों का पूरा दिन बीत जाता है। और एकेडमी से जब बच्चे हॉस्टल में आते हैं तो थोड़ा सा रिविजन और साथ साथ फिर वो अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन बहुत ही एक्टिव हो जाता है, एकेडमिक्स पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। तो ये गर्ल्स का रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंक बेड आपको देखने को मिलेगा और एक बेड और एडिशनल बच्चों के लिए लगाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के लिए पीछे अलमीरा दे रखी है, यहाँ पर बच्चे अपना सामान रखते हैं जो भी घर से लाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एसी भी इंस्टॉल करके बच्चों को दिया है, क्योंकि समर में काफ़ी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि मैक्सिमम टाइम बच्चे एकेडमी में ही स्पेंड करते हैं, तो वो आपको इनके स्केड्यूल में भी देखने को मिलेगा। बच्चे सुबह उठ जाते हैं 4:50 AM, और क्योंकि बच्चों के 5 से 6:30 बजे तक लाइव क्लासेस रहती हैं तो सुबह उठना ही पड़ता है बच्चों को। साथ ही साथ फिर 6:30 से 7:30 हम लोग रनिंग के लिए जाते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी रहती है। 7:30 से 8:30 बच्चे तैयार होते हैं एकेडमी के लिए, और फिर 8:30 से 9:30 तक बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, और फिर बच्चे एकेडमी जाते हैं। और एकेडमी में भी अराउंड बच्चे 10 to 9 बच्चे एकेडमी में रहते हैं, क्योंकि इसमें एकेडमिक्स के साथ साथ लाइव सेशंस भी रहते हैं, वो भी बच्चे अटेंड करते हैं। तो एक काफ़ी मेजर जो टाइम है बच्चों का वो एकेडमी रहता है। तो अराउंड 9:30 हम लोग हॉस्टल वापस आते हैं, और फिर बच्चों के पास आधे घंटे का टाइम रहता है जिसमें बच्चे रिविजन करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को मिल्क दिया जाता है रात को, और अराउंड 10 दे गो टू देयर बेड्स। इस तरीके से एक स्केड्यूल है यहाँ पर गर्ल्स का। ओके, तो जब हम मॉर्निंग में रनिंग करके आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने चिन अप बार भी इंस्टॉल करी है बच्चों के लिए, तो बच्चे इसमें लटकते भी हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी ड्यूरेबल है, ये मेरा भी वेट बियर कर लेता है, मैं आपको लटक के दिखाता हूँ, यू विल कम टू नो। पूरी सेफ्टी का हम लोग ध्यान रखते हैं गर्ल्स। तो ये देख सकते हो मेरे, आप देख सकते हो लेग्स ऊपर है, तो इसमें मैं भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ऐसे कर सकता हूँ। ओके, तो काफ़ी ड्यूरेबल है, इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेरा तो पार्ट इतना ही रहता है, कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में फोकस करता हूँ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी में, और एक डिसिप्लिन में फोकस करता हूँ मैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा केयर है, बच्चों की खाना है, कुछ बच्चों के इश्यूज हैं, वो सारी मेरी वाइफ हैंडल करती है। तो आइए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाता हूँ, जिसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है गर्ल्स हॉस्टल। नमस्कार, जैसा कि सूरज सर ने आपको बताया कि गर्ल्स हॉस्टल का ध्यान मैं रखती हूँ, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों का क्या सामान ख़त्म हो गया है और क्या इनको नीड है, और ये अपनी बातें भी मुझसे शेयर करते हैं जो भी इनको ज़रूरत पड़ती है। और बहुत अच्छे से यहाँ पर गर्ल्स का ध्यान रखा जाता है, और उनके खाने का, उनकी हाइजीन का, सारी चीज़ों की यहाँ पर अच्छे से देखभाल होती है। और साथ ही साथ शाम को जब बच्चे एकेडमी से यहाँ लौटते हैं तो बच्चे रिविज़न करते हैं, तो उनको देखना और उनको मिल्क देना, उसके बाद इनको सुला कर हम लाइट्स ऑफ करते हैं, उसके बाद हम लोग सोने जाते हैं। तो इसी तरीके से डेली हमारी जो है वो प्रोसेस चलती है, और बहुत अच्छे से हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं, और बिल्कुल घर वाला माहौल हमने इनको दिया हुआ है, और इनको घर की याद भी बहुत कम आती है, और हमारे साथ काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। और तो इस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल का टूर हमने आप लोगों को दिखाया, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो पेरेंट्स हैं इंटरेस्टेड हमारे पास आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गर्ल्स को हमारे पास एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत आइए, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी में। ऑल द बेस्ट।